करीना कपूर खान 25 सालों से फैंस को एंटरटेन कर रही हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं और खूब चर्चाएं बटोरी हैं। करीना की फिल्म ओमकारा भी काफी खबरों में रही। बताते चले कि विशाल भारद्वाज के ओमकारा में सबसे ज्यादा सैफ अली खान की तारीफ हुई थी। वो फिल्म में लंगड़ा त्यागी के रोल में थे, ये देखकर करीना सरप्राइज हो गई थी। करीना ने बताते चलिए स्क्रीन रखी थी जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, मैं सभी डायरेक्टर्स को बुलाने जा रही हूँ, मणिरत्नम से लेकर सभी डायरेक्टर तक, सभी डायरेक्टर्स में चार करने जा रही हूँ और सभी डायरेक्टर्स को कॉल करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने फिल्म वाकई में काफ़ी अच्छा काम किया था। बताते चले कि मैंने फिल्म सिटी में स्क्रीन रखी थी और सभी वहाँ थे, विशाल कोकड़ा, सीन शर्मा, विवेक ओबरॉय, सैफ अली खान सभी वहाँ पर थे और मैं एक्साइटेड थी कि मुझे सभी मुझे डेस्टोमना के रोल में देखने जा रहे हैं। करीना ने बताया था कि सैफ अली खान सारी लाइमलाइट ले गए और करीना ने बताया कि इंटरवल में सभी बाहर आए और सभी ने कहा कि आप अच्छे हो, हमें सभी पसंद आए और सैफ अमेजिंग थे। जब मूवी खत्म हुई तो सभी लोग सैफ के पास पहुंचे और ये देख करीना काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थी। सभी बोल रहे थे कि तुम फिल्म अच्छी थी लेकिन सैफ कहाँ है। मैं ऐसी ही थी कि क्या हो रहा है कि मतलब सैफ कितनी ज़्यादा तारीफें क्यों हो रही है। आगे करीना ने मुस्कुराते हुए ये भी कहा कि मैंने सभी को तारीफ करने के लिए बुलाया और तभी से सैफ बस सैफ सब सैफ के पास चले गए और फिर उनकी तारीफें कर रहे थे। बता दें कि करीना और सैफ ने टच ऑन एजेंट विनोद कुर्बान जैसी फिल्मों में साथ में काम किया है। रियल लाइफ में दोनों पति पत्नी हैं और दो बेटे के पेरेंट्स हैं। फिलहाल आपका इस पर क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेडीज खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट सनलाइफ।